बहराइच के प्रयागपुर विधानसभा मंगलवार जिले वासियों के लिए अहम रहेगा। यहां पर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों नेताओं के भाषण और वादे पर जिले वासियों की नजर रहेगी। जिले के प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवदहा मोड़ स्थित मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जिले समेत 13 विधानसभाओं की जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री प्रयागपुर भाजपा प्रत्याशी सुभाष त्रिपाठी के अलावा 13 विधानसभा प्रत्याशियों के लिए मतदान की अपील करेंगे। साथ ही उधर इसी विधानसभा के इंद्रापुर गांव में बसपा प्रत्याशी गीता मिश्रा के पक्ष में जनसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी आएंगी। इसके लिए बसपा पार्टी की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। मायावती की रैली में बहराइच और श्रावस्ती के लोग शामिल होंगे, तो वहीं अखिलेश यादव प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही कल यूपी में चौथे चरण का मतदान है, आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दीपक पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दीपक, देखिए विधानसभा चुनाव की अगर बात करें यूपी में, तो कल चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। बहराइच में आज सियासी घमासान भी देखा जा रहा है। जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, और क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? जी आयुषी, बताते प्रयागपुर विधानसभा में आज जो बताता रहता, बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार भाजपा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और वहां के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। साथ ही साथ ऐसी बातें करेंगे कि जिससे कि प्रत्याशियों के पक्ष में एक बार फिर से माहौल बन सके। जिस तरह से अभी देखा आपने कि पिछले तीन चरणों में लगातार प्रचार प्रसार किया गया, तो अभी चौथे चरण का चुनाव भी चला है, तो इस दौरान अपनी जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, पोलिंग पार्टियां हैं, वो निकल चुकी है चुनाव कराने के लिए। और वही बात करें जिस तरह से आज बहराइच में बिजली का तांता लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम इसे देखने वाले बात है कि किस तरह से प्रचार प्रसार होता है और क्या बातें निकल कर आती है, क्या जी क्या भाषण होते हैं और किस तरह से जनता में अपनी पैठ बनाते हैं। और जिस तरह से 2017 में बीजेपी ने सत्ता पर काबिज हुई थी और 2022 का चुनाव है, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री आज किस तरह से अपने वक्तव्य को कहते हैं और किस तरह से भाषण देते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां पर उनका जय जयकार होता है। और बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के साथ भी आज की डेट में भीड़ की कोई कमी नहीं है। तो अब देखने वाला ये वक्त है कि जितनी भीड़ जुट रही है, क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की, तो मायावती भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। और बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव आज प्रयागराज में जाएंगे, जहां पर चित्रकूट कौशाम्बी का अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां भी एक रैली को संबोधित करेंगे। जी शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।